हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंटरनेट की वायरल कॉफ़ी डालगोना कॉफ़ी, जो कि इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रहा है। और इसे बनाएंगे हम सिर्फ एक चम्मच की मदद से, बिना किसी विस्कर और हैंड ब्लेंडर का यूज़ किए, सिर्फ हम इसे चम्मच से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए कॉफ़ी 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, और 2 टेबल स्पून मैंने गर्म पानी लिया है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए, तो पहले हम इस चीनी में थोड़ा सा ये कॉफ़ी डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये पानी, गर्म पानी, और इसको अच्छे से फेंटेंगे। और काफ़ी वायरल हो रहा है ये टॉपिक इंटरनेट पर, तो चलिए मैंने बार ट्राई करती हूँ मैं भी इसे। आप लोग भी इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं इसको ट्राई करती हूँ, मैंने सोचा फिर आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ। और देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से फेंटना है। अब इसको कंटिन्यूस फेंटते रहना है 5 से 10 मिनट तक, जब तक इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथी टेक्सचर ना हो जाए। तो इस तरह से फेंटते रहना है इसको। और इसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास गर्म ठंडा दूध, और आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें सिर्फ ठंडा दूध ले रही हूँ, आइस क्यूब नहीं ले रही हूँ। और वैसे बस इसे हमें कंटिन्यू चलाते जाना है, इस तरह से फेंटते रहना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे आपको, अच्छे से फेंटते रहना है। तो 4 से 5 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, किस तरह से इसकी टेक्सचर इसका चेंज हो गया है। तो इसको फेंटते रहना है, बिल्कुल इसको हमने फ्लोई अच्छे कंसिस्टेंसी पे लाना है, तब तक हमने इसे फेंटना है पूरा। तो आप देख लीजिए किस तरह से इसका कुछ देर, 5 मिनट के लगभग इसे फेंटने के बाद इस तरह से हो गया ये। और इसी तरह से और फेंटना है, अभी ये रेडी नहीं हुआ है। जब तक बिल्कुल ये स्मूथ ना हो जाए, तब तक क्रीमी जैसा, तब तक हम इसे पूरा फेंटना है, कॉन्टिन्यूस फेंटते जाना है। इस प्रोसेस में लगभग आपको 10 मिनट्स लग जाएंगे। तो ये देखिए, अभी बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरह के जब आपके पास भी फ्लोई हो जाए, तो इसका मतलब अब ये रेडी है। तो अब हमें चाहिए दूध 1 गिलास में। अब हम ठंडा दूध लेंगे, तो ये रेडी है बिल्कुल। तो 1 गिलास में हमने मैंने ठंडा दूध डाल लिया है, और इसके ऊपर अब ये डालेंगे हम, और ये इसके ऊपर ही फ्लोट करेगा, देखिएगा आप। तो इसको धीरे धीरे इसके ऊपर डालना है। और अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स है, तो आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं, और चॉकलेट सिरप हो तो पहले आप ग्लास में उसे भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल दूँगी। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि हमने सिर्फ मैंने जो दूध लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी भी डाला है, थोड़ा मीठा कर लिया है। वैसे इसमें मीठा नहीं डालते हैं, पर मैंने इसमें मीठा डाल लिया है। तो बस ये रेडी होगी मेरी डालगोना कॉफ़ी। और डाल लेती हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर।